कहानी की शुरुआत में हमें कुछ टीनेजर्स एक जगह गेमिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाए जाते हैं, जहां जीतने वाले को 10 grand मिलने वाले थे। उस गेम में सिर्फ दूसरे खिलाड़ियों को मारना और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा करना था। गेम शुरू होते ही दो प्लेयर्स दूसरे सभी प्लेयर्स को धड़ाधड़ मारना शुरू कर देते हैं और इस तरह वो ढेर सारे पॉइंट्स जमा कर लेते हैं। उनमें से एक नई प्लेयर थी और दूसरा एक मजा हुआ प्लेयर था जिसने गेमिंग की दुनिया में बहुत सारे इनाम जीते थे। भीड़ उन्हें जोश दिलाने के लिए चिल्लाती है और पुराना प्लेयर अपने एक्सपीरियंस के बल पर लीड करने लगता है, जबकि नई लड़की को आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए वो इम्पल्स 9 नाम के एक एनर्जी ड्रिंक की बोतल को एक ही घूंट में पी जाती है, जिससे कि न सिर्फ उसे एनर्जी मिलती है बल्कि टाइम भी 100 गुना स्लो हो जाता है। उस पावर की हेल्प से वो उस एक्सपर्ट प्लेयर समेत सारे प्लेयर्स को आसानी से मार देती है। इस तरह वो टूर्नामेंट जीत जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करने लगती है, पर उसे पता नहीं था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी दुखों में बदलने वाली थी। अचानक एनर्जी ड्रिंक की बोतल जमीन पर गिरकर बिखर जाती है और इसी तरह उसकी जिंदगी भी बिखरने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और वो अपने आप को 3 बच्चों की माँ के रूप में देखती है। उसका घर बहुत बुरी हालत में था, जहाँ कोई मॉडर्न इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और इसके चलते उसकी तकलीफ और बढ़ गई थी। घर के बाहर की दुनिया भी उजाड़ और बंजर जमीन के अलावा और कुछ नहीं थी, जहाँ हवा भी जहरीली हो चुकी थी जिसमें सांस लेना भी मुश्किल था। इसके साथ ही सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें पास्ट की कहानी में वेल फर्नांडेज नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक अच्छी FPS गेमर थी और जिंदगी में उसका एक ही सपना था कि वो एक प्रोफेशनल गेमर बनकर खूब सारा पैसा और नाम कमाए। वो अपने डिवोर्स फादर कार्लोस के साथ रहती थी। 2017 में एक दिन कार्लोस अपनी बेटी वेल को रेस्टोरेंट की जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार करता है और वो बेदिली से फॉर्मल्स पहनकर इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। बाहर उसका बॉयफ्रेंड इवान अपनी कार में उसे पिक करने के लिए उसका वेट कर रहा था। वहां से निकलते ही वेल गाड़ी की पिछली सीट में बैठकर अपने फॉर्मल कपड़े बदल कर कैजुअल पहन लेती है और इंटरव्यू की जगह फील्ड ऑफ फायर नाम के एक गेमिंग टूर्नामेंट खेलने पहुंच जाती है। दूसरे FPS बैटल रॉयल गेम्स की तरह ही फील्ड ऑफ फायर भी एक मल्टीप्लेयर गेम था, जिसमें लास्ट तक टिके रहना ही इसका मेन पर्पस होता है। वेल सोचती है कि अगर वो ये गेम जीत गई तो लाखों रुपए कमा लेगी और उन पैसों से वो अपने लिए एक गेमिंग कंप्यूटर खरीदेगी, पर इवान उसे बताता है कि रॉय नाम का एक मजा हुआ प्रोफेशनल गेमर उस टूर्नामेंट में सरप्राइज अपीयरेंस देने वाला है, जिसे सुनकर वो थोड़ा नर्वस हो जाती है। जल्दी ही वो लोग गेमिंग एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां रॉय अपने फैंस के साथ फोटो खिंचवा रहा था। पहला मैच शुरू होने से पहले इवान वेल को समझाता है कि उसे इमोशंस की जगह पूरे फोकस के साथ खेलना चाहिए ताकि वो किसी तरह फाइनल्स तक पहुंच जाए, लेकिन वेल उस घमंडी रॉय को हराना चाहती थी। थोड़ी देर में ही सारे प्लेयर्स अपने अपने कंप्यूटर्स के सामने बैठ जाते हैं और गेम शुरू हो जाता है। गेम की शुरुआत में वेल लीड कर लेती है, लेकिन थोड़ी देर में रॉय उसे आसानी से पीछे छोड़ देता है। वो इतना कॉन्फिडेंट था कि गेम के बीच बीच में वहाँ मौजूद क्राउड के साथ इंटरेक्ट भी करता रहता था। इसका फायदा उठाकर वेल कुछ पॉइंट्स जमा कर लेती है और वो जीतने ही वाली थी, लेकिन गेम को फिनिश करने के बजाय वो रॉय को मारकर गेम से आउट करने की कोशिश करती है, पर उसका दांव उल्टा पड़ जाता है और रॉय उसे मारकर गेम से बाहर कर देता है। इसके बावजूद वेल फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है, जो कि अगले ही दिन होने वाला था। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गेमिंग एरिया से निकलने लगती है तो रॉय वहाँ पहुंचकर उसकी नकल उतारकर उसको चिढ़ाता है, फिर वो अपने फैंस के साथ सेल्फी लेने चला जाता है। इस बीच जब इवान अपनी गाड़ी लेने के लिए जाता है, तब कोजीमा नाम का एक आदमी वेल के पास आकर उसे कहता है कि उसे गेम जीतने के लिए सीक्रेट मालूम है। ये सुनकर वेल हैरत में पड़ जाती है, लेकिन उसके कुछ पूछने से पहले ही वो आदमी उसके हाथ में अपना बिजनेस कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने पर वेल बिना कोई आवाज किए चुपके से अपने रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड उसे देख लेते हैं। वेल के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो सारी बातें उन्हें सच बता देती है, जिसे सुनकर उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो अगले दिन से उसे रेस्टोरेंट जाकर उन लोगों से जॉब का इंटरव्यू लेने की रिक्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। लेकिन वेल अपने डैड को समझाती है कि अगले दिन उसके टूर्नामेंट का फाइनल है, जो उसके फ्यूचर के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर सभी पेरेंट्स की तरह कार्लोस भी उसे समझाता है कि ऑनलाइन गेमिंग का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन वेल अपनी जिद पर अड़ी रहती है और उसकी बात को इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने आज के खेले गए गेम को पॉडकास्ट पर देखती है, जिसमें रॉय को फर्स्ट पोजीशन पाते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उसकी नज़र कोजीमा के बिजनेस कार्ड पर पड़ती है और उसे ध्यान आता है कि उसने उसे गेम जीतने के सीक्रेट के बारे में बताया था। बदला लेने की तड़प और जीतने की चाहत में वो तुरंत उसके दिए हुए एड्रेस पर जाने का फैसला करती है। जल्दी ही द गोल्डन सॉसर नाम के गेमिंग कैफे में वो पहुंच जाती है, जहां पर कुछ लोग अपने कंप्यूटर्स पर वीडियो गेम्स खेलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कोजीमा उसके पास आता है और उसे बैठकर गेम खेलने के लिए कहता है। वेल को इस बात से हैरानी होती है कि आखिर कोजीमा ने उसे अपना बिजनेस कार्ड क्यों दिया था, पर वो
गेम खेलने के लिए बैठ जाती है। वो उस गेम में हाईएस्ट लेवल चूज करती है, जिसे कंप्लीट करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। ये देखकर कोजीमा उसे इंपल्स 9 नाम का एक एनर्जी ड्रिंक देते हुए कहता है कि ये कोई मामूली एनर्जी ड्रिंक नहीं है और वो चाहे तो उसे ट्राई करके देख सकती है। ये सुनकर वेल उस ड्रिंक का एक घूंट पी लेती है और अचानक उसके आसपास की सारी चीजें उसे स्लो मोशन में चलती हुई दिखने लगती है, जिसकी वजह से उसके लिए वो इम्पॉसिबल लगने वाला गेम बहुत ही आसान हो जाता है। फिर पलक झपकते ही वो रियलिटी में खुद को टेबल के दूसरी तरफ बैठे कोजीमा के सामने पाती है। जब वो उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ था, तो वो उसे बताता है कि जो भी इम्पल्स 9 पीता है, समय उसके लिए स्लो हो जाता है और उसे ये एनर्जी ड्रिंक पीते हुए एक घंटा बीत चुका था। वो उसे ये भी बताता है कि आप जितनी मात्रा में इस एनर्जी ड्रिंक को पियेंगे, टाइम भी उसी रेशो के हिसाब से स्लो होता जाएगा। ये कहकर कोजीमा उससे एक बॉटल ड्रिंक के बदले $500 की डिमांड करता है, जिसे सुनकर वेल शॉक्ड हो जाती है। उसे लगता है कि टूर्नामेंट जीतने के लिए एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करना चीटिंग है, पर तभी कोजीमा के फोन पर रॉय की कॉल आती है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि रॉय भी गेम्स जीतने के लिए उस एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करता था। इसी वजह से वो दूसरे गेमर्स के मुकाबले अनबीटेबल बना हुआ था। ये सब जानने के बाद वेल इम्पल्स 9 की बॉटल खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन गेम शुरू होने से पहले वेल इम्पल्स 9 की बॉटल को अपने कीबोर्ड के पास रख देती है। गेम शुरू होने से पहले वो उस एनर्जी ड्रिंक का एक छोटा सा घूंट लेती है, फिर अल्ट्रा स्लो मोशन की बदौलत वो गेम में लीड करने लगती है। ये देखकर रॉय भी इम्पल्स 9 का कुछ घूंट लेता है और तेजी से रैंक्स पार करते हुए टॉप पर पहुंच जाता है। इससे डेस्परेट होकर बिना कुछ सोचे समझे वेल ड्रिंक की पूरी बॉटल पी जाती है, जिसके नतीजे में वो एकदम स्लो पेस में पहुंच जाती है और उसका पूरा फायदा उठाते हुए वो रॉय के अवतार को मारकर पूरा टूर्नामेंट जीत जाती है। उसका बॉयफ्रेंड इवान और सारा क्राउड उसके लिए चीयर्स करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं कि तभी एनर्जी ड्रिंक की बॉटल जमीन पर गिरकर टूट जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर वापस उस जगह पहुँच जाता है, जहाँ हम वेल को एक बेकार से घर में चेयर पर एक बच्चे को गोद में लिए बैठा हुआ देखते हैं। थोड़ी ही देर में मैले कुचैले कपड़े पहने इवान वहाँ आता है और बच्चे को सुलाने के बाद उसे तैयार होने को कहता है। वेल बहुत कंफ्यूज थी और अपनी पूरी एडल्ट बॉडी और अपनी उंगली में वेडिंग रिंग को देखकर हैरानी से हांफने लगती है। वो थोड़ी राहत पाने का सोचकर नीचे जाती है, पर वहाँ और भी दो बच्चे उसे मम्मी कहकर बुलाते हैं, जिसे सुनकर वो डर जाती है और घबराकर घर के बाहर निकल जाती है। वहाँ वो लोगों को टेंट में रहते और खुले में बने पब्लिक बाथरूम का इस्तेमाल करते हुए देखती है। आखिरकार उसे पता चलता है कि वो पलक झपकते ही लगभग 12 साल स्किप करके सीधे 2029 में पहुंच गई थी और वो लोग जिस जगह रह रहे थे वो पूरा इलाका चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, जो कि वेस्टलैंड से इस एरिया को अलग करता था। वेस्टलैंड में डेथ लिजार्ड जैसे खतरनाक जानवर रहते थे, जो इंसानों पर हमला करने के लिए बदनाम थे। इस वजह से वहां रहने वाले लोग अलग अलग शिफ्ट्स में गेट पर पहरा देते थे। इसके अलावा उसे ये भी मालूम चलता है कि जिन लोगों ने पास्ट में बहुत ज्यादा इम्पल्स 9 पिया था, वो लोग रियल टाइम में अब जाग रहे थे, जिन्हें पल्सर कहा जाता था। इम्पल्स 9 के ज्यादा इस्तेमाल के नतीजे में लोग बिना किसी मेमोरी के सालों बाद के फ्यूचर में अचानक से पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी। जब कोई अचानक टाइम के बारे में कंफ्यूज सा दिखता, तभी उसके पल्सर होने या ना होने के बारे में पता चलता था। इसके अलावा उनकी पहचान का और कोई रास्ता नहीं था। इस भयानक बर्बादी के लिए लोग पल्सर्स को जिम्मेदार मानते थे और उन्हें उस चार दीवारी के अंदर रहने की इजाजत भी बहुत मुश्किल से देते थे। वेल उस जगह एक पुलिस का काम करती थी और डैन नाम का एक आदमी उसका डिप्यूटी यानी असिस्टेंट था। पल्सर्स के साथ जिस तरह का बिहेव होता था, उससे बचने के लिए वेल खुद भी इम्पल्स 9 कंज्यूम करने की बात सबसे छुपा लेती है। वेल घर आकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है कि तभी उसे अपने डैड कार्लोस की याद आती है। वो उनके साथ हुई अपनी आखिरी मुलाकात को याद करने की कोशिश करती है और जैसे ही वो अपना सिर दूसरी तरफ घुमाती है, तो उसकी नज़र टेबल पर उसके डैड की राख से भरे एक बर्तन पर पड़ती है। वो उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में डेप्यूटी पुलिस डैन आकर उसे टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी पर चलने को कहता है। पहले तो वो जाने से मना कर देती है, पर जब डैन उसे याद दिलाता है कि वो सफाई इंस्पेक्टर है और ये उसका काम है, तो उसे जाना ही पड़ता है। उसे कई घंटों तक गंदे टॉयलेट्स की सफाई करनी पड़ती है। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे वेल को उस उजड़े हुए माहौल में रहने की आदत हो जाती है। एक दिन वो अपने सारे ड्यूटीज खत्म करके अपने बच्चों को स्कूल से लेने के
ले जाती है, जहां उसकी बेटी सोफिया उसे एक ड्राइंग दिखाकर कहती है कि वो उसकी हीरो है। वेल बहुत थकी हुई होने के कारण बच्ची के एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करती है। घर पहुंचने पर वो देखती है कि इवान एक बाइसिकल पर बैठा जोर जोर से पैडल मार रहा है। दरअसल वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के कारण वो एक गेम खेलने के लिए पावर प्रोड्यूस कर रहा था। वेल अपने फेवरेट गेम फील्ड ऑफ फायर को देखकर हैरान रह जाती है। वो बच्चों को सुलाने से पहले एक राउंड खेलने के लिए तैयार हो जाती है। जब इवान लोगों से मिलने के लिए बाहर चला जाता है तो वो बच्चों के साथ गेम खेलने बैठ जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं कि अचानक इवान भागकर घर आता है। वो काफी डरा हुआ था और वेल से कहता है कि वो आज अपनी गार्ड की ड्यूटी करना भूल गई थी, जिसकी वजह से गेट पर पहरा देने वाले डैन को अंदर आने का मौका नहीं मिल पाया और वो डेथ लिजार्ड का शिकार बन गया। दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं, जहां डैन की वाइफ वेल पर बहुत गुस्सा होती है। अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए वो वापस घर जाने को होती है, पर तभी इवान उसे याद दिलाता है कि उसकी ड्यूटी अभी पूरी नहीं हुई है। ये सुनकर वो उदास मन से अपनी शिफ्ट पूरी करती है और घर आकर दुखी मन से फूट फूट कर रोने लगती है। इवान उसे प्यार से समझाता है और तसल्ली देता है। वेल को महसूस होता है कि वो इस नई दुनिया के लिए फिट नहीं है और इसीलिए सब कुछ छोड़कर वो वेस्टलैंड घूमने का इरादा करती है। लेकिन जाने से पहले वो इवान को एक लेटर लिखकर उसे बता देती है कि वो एक पल्सर है। अगले दिन वो कभी वापस ना लौटने का इरादा करके निकल जाती है। जब इवान वो लेटर पढ़ता है तो उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेल बंजर जमीन पर भटकते हुए एक बेकार पड़ी बिल्डिंग के पास पहुंचती है। वो उजाड़ बिल्डिंग असल में कोजिमा का गेमिंग कैफे द गोल्डन सॉसर था। वेल उस कैफे के अंदर जाती है और इधर उधर देखती है। कोजिमा को एक काउंटर से निकलते देख उसे हैरानी होती है। वो देखती है कि कोजिमा पर उम्र का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था, लेकिन वो ये राज उसे नहीं बताता है। उनकी बातों के दौरान कोजिमा को पता चलता है कि वेल एक हफ्ते पहले ही पास्ट से रियलिटी में जागी थी। वो स्वीकार करता है कि इम्पल्स 9 की वजह से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हुई थी, लेकिन उसके पास वेल को उन सारी तकलीफों से छुटकारा दिलाने का प्लान था। कोजिमा इम्पल्स 9 का एक बड़ा बॉटल लाकर उसे पीने को देता है। वो ये भी कहता है कि अगर उसने इसे पी लिया तो वो इस दुनिया में वापस कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो सैकड़ों साल आगे के फ्यूचर में पहुंच जाएगी और तब तक वो इस दुनिया में मर चुकी होगी। कोजिमा उसे ड्रिंक पीते हुए गेम खेलने का सजेशन भी देता है। वेल को ये आइडिया पसंद आता है और वो अपना फेवरेट गेम फील्ड ऑफ फायर खेलने बैठ जाती है। पर जब वो इम्पल्स 9 की बॉटल को उठाने के लिए आगे की तरफ झुकती है तो उसकी नज़र उस ड्राइंग पर पड़ती है जो उसकी बेटी ने उसके लिए बनाया था। वो इमोशनल होकर यादों में खो जाती है। उसे इवान और अपने बच्चों के साथ बिताए सारे खुशगवार पल याद आने लगते हैं। फिर वो एनर्जी ड्रिंक पीने का इरादा छोड़कर वापस अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करके अपने घर की तरफ चल देती है। लेकिन गेट पर उसे इवान गार्ड की ड्यूटी करते दिखाई देता है, जो उससे बहुत नाराज था। वो उसे अंदर आने से रोक देता है और वेल से कहता है कि उसने सबको धोखा दिया है। वेल अपनी हर गलती के लिए उससे माफी मांगती है। अभी उनकी बात चल ही रही थी कि उन्हें दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि डेथ लिजार्ड्स उनकी कम्युनिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब इस बात का खुलासा होता है कि डेथ लिजार्ड्स दरअसल नॉर्मल लोगों का ही एक ग्रुप था जो इंसानों का मांस खाया करता था। उन्हें पास आता देखकर इवान जल्दी से वेल को अंदर कर लेता है और इसी बीच अलार्म बजने लगता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। एक औरत उसे बताती है कि सब लोग खाई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अटैकर्स को रोकने के लिए कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं था। ये सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। चूंकि कम्युनिटी के सारे लोग उसके धोखे से नाराज थे, इसलिए वो उनके भरोसे को जीतने के लिए एक प्लान बनाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि वो यहाँ रहकर डेथ लिजार्ड्स को जितनी देर तक हो सके रोकने की कोशिश करेगी। इवान उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर वो उसे बच्चों की खातिर जाने को कहती है। इस पर वो मान जाता है। फिर वेल इम्पल्स 9 का बड़ा बॉटल, जिसे वो अपने साथ लाई थी, उसे निकालकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। डेथ लिजार्ड्स गेट पर पहुंचकर हमला बोलने के लिए तैयार देखते हैं कि तभी वेल को पता चलता है कि डेथ लिजार्ड्स का लीडर और कोई नहीं बल्कि रॉय खुद था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। रॉय उसे बताता है कि वो रियलिटी में कुछ साल पहले पहुंचा था और अब वो एक जालिम लीडर बन चुका था जो किसी को भी मार सकता है, पर उसकी धमकियों का वेल पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसने उसके आने से पहले ही वो एनर्जी ड्रिंक पी लिया था। सबूत के लिए वो खाली बॉटल को उसके सामने फेंक देती है। अचानक वेल स्लो मोशंस में चली जाती है और गैस के कैनिस्टर पर गोली चला देती है, जिससे सारे अटैकर्स हवा में उछल जाते हैं। फिर लगातार शूट आउट करते हुए वो सबको खदेड़ देती है। अनफॉर्चुनेटली उसके पेट और कंधे पर गोली लग जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। तभी रॉय आकर उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो उस पर गोली चलाकर उसे मार डालती है। इसके बाद वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए आसमान की तरफ एक फ्लेयर गन छोड़ती है, जिससे इवान को ये सिग्नल मिल जाता है कि उसकी कम्युनिटी अब सेफ है।
एक तरफ इवान आसमान की तरफ जाते हुए ब्राइट रेड फ्लेयर को देखता है और दूसरी तरफ वेल धीरे धीरे अपनी आखिरी सांस ले रही होती है।